लो गाइस कैसे आप सब। एंड कि आप में से बहुत सारे बंदे होते होंगे ऐसे यार जो चाहते हैं कि भाई मेरी भी रैंक हर एक पे हो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमारी रैंक नीचे होती है ना तो यार हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं हमारी मतलब एक तरह से बेइज्जती करते हैं कि भाई तू गोल्ड पे है, तू ही प्लेटिनम पे है, तू हर एक नहीं कर सकता कभी। मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली मैंने उनको दिखा भी दिया गाइस, ठीक है, कि मैंने एक दिन के अंदर ही भाई मैंने ठान ली मुझे हर एक करनी है, मैंने कर ही ली, ठीक है। मुश्किल से चार से पाँच घंटे लगे मुझे हर एक करने में, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैंने एक घंटे के अंदर डायमंड कर ली थी आराम से, ठीक है, डायमंड सेकंड तक पहुंच गया था, लेकिन पाँच घंटे मुझे इसलिए लगे क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चार्जिंग पे लगाया, फिर निकाल के फिर मैंने खेला, फिर मैंने आसानी से ब्रेक कर ली, ठीक है, और कुछ टिप्स को मैंने फॉलो किया, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ वो टिप्स कौन सी है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हो ना तो यार सब्सक्राइब कर देना अभी से, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो मैं टिप्स आपको देने वाला हूँ ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एंड लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा करेक्टर लेना है, ठीक है, जिससे आप सारे मैचेस विन कर सको। एंड पैसिव करेक्टर में कौन सी स्किल्स आपको लगानी है स्लॉट में अपने, तो वो सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो टिप नंबर वन आती है ना वो आएगा पहले गन कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी गन लेनी है, ठीक है। तो यार सी एस में सबसे ज़्यादा टॉप फाइव पावरफुल गन ही है, ठीक है, और कौन सी है चलो बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर या फिर विजॉन ले सकते हो, ठीक है, जो मेरे हाथ में है, या यू एम भी ले सकते हो, और जो थर्ड नंबर की जो गन है वो शॉटगन में से आप M10 या फिर M87 को ले सकते हो, और या फिर MAC-7 को ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों पावरफुल गन है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गन अच्छे से चला सकते हो, ठीक है, जौन सी गन चला सकते हो वही गन लेना। एंड मैं तो कहूँगा अगर शॉर्ट रेंज की बात हो तो गाइस M87 लेना या फिर M10 भर देना, ठीक है, और मतलब कि SMG गन की बात हो तो कहीं MP5 या फिर UMP ले सकते हो या फिर जौन ले सकते हो, ठीक है। ये भी ज़्यादा पावरफुल गन में से एक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यही गन लेना। एंड अब बात कर लेते हैं अपने स्किल के बाद में बात करेंगे, पहले आपको मैं बता दूँ आपको करेक्टर कौन सा लेना है, ठीक है। तो वैसे तीन करेक्टर आप ले सकते हो बेसिकली, या फिर स्काइलर या फिर वुकोंग, और या फिर थर्ड नंबर पर जाता है वो है क्रोनो। अब बेसिकली क्रोनो पे टिप्स एंड ट्रिक मैं कल लाऊंगा, ठीक है, जो कल मैं वीडियो डालूंगा मॉर्निंग सुबह, ठीक है, जरूर देखना। तो वो ये क्रोनो के ऊपर ही होंगे, ठीक है, तो मैं क्रोनो के ऊपर वीडियो कल लाऊंगा। एंड अभी बात कर लेते हैं आपको मतलब वुकोंग से कैसे अच्छे से खेलना है। तो आप वुकोंग बन के आपको पता ही वुकोंग की एबिलिटी क्या है, तो उसका बेसिकली यूज़ करके आप आराम से मास्टर लगा लोगे, ठीक है। और मतलब यार मैं बता नहीं सकता आपको, ग्रैंड मास्टर आसानी से आप लगा लोगे यार फ़ोन के अंदर ही, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने लगा कब ली, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप रैंडम के साथ स्टार्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि हर रैंडम एक ही जैसे आए, ठीक है, कुछ रैंडम होते हैं भाई साहब इतना ओपी खेलते हैं ना मैं बता नहीं सकता। आप जब जाओगे एनिमी के पास तब तक एनिमी खत्म हो चुके होंगे, खत्म गुड बाय हो चुका होगा उनका यार, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हो। और हाँ, कवर देना आपको अपने टीममेट को, ठीक है, AWM ले लो या फिर कोई सी भी गन ले लो, ठीक है, उससे कवर देना अपने टीममेट को, जिससे वो अकेले ना हो, ठीक है, वो आराम से संभाल लेंगे मुझे पता है, लेकिन तब भी आपको भी कवर देना है। अगर आप शॉर्ट रेंज में लड़ना चाहते हो तो उसके भी टिप्स एंड ट्रिक में लाऊंगा, ठीक है, कि शॉर्ट रेंज में लड़ाई कैसे लड़ सकते हो। तो यार आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी, ठीक है। एंड अब मैं बता देता हूँ कि आपको मतलब क्रोनो कैसे मतलब कौन सा करेक्टर लेना चाहिए, ठीक है, मैच के अंदर जो स्किल्स लगानी है। पहले फर्स्ट नंबर पे आपको जो स्किल लगानी है वो है हायाटो की, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो स्किल लगानी है वो है मैक्सिम करेक्टर की, ठीक है। फास्ट मेडिकेट आपको चाहिए होगा मुझे पता है, ठीक है, तो ये सब लगा लेना, ठीक है, और मतलब क्रोनो लेके खेलना। बस यार मैं वीडियो करता हूँ एंड, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, वरना इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड अपनी UID नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, कौन सी आपकी लेवल है, कौन कितनी रैंक है आपकी, ठीक है, क्योंकि मुझे जानना है, ठीक है, और मतलब ये टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। बेसिकली आप इस टिप को फॉलो करके आसानी से हर एक लगा लोगे, ठीक है, मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप करके देख लेना, ठीक है, फॉलो आपको बस रश नहीं करना है, ठीक है, हमेशा याद रखना मेरी इस टिप को यार जरूर से फॉलो करना याद से, ठीक है, कि कभी भी रश मत करना, ठीक है। और जब आप क्रोनो लेकर बहुत ज़्यादा आसानी से क्रोनो लेके देखना, ठीक है, क्रोनो या फिर वुकोंग में से कोई एक करेक्टर लेके देखना, आप आसानी से सारे मैच विन करोगे, ठीक है। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कौन टॉपिक पे नीचे कमेंट कर देना।